स्टार्ट कैमरा। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। एक्शन। हाय, हेलो, नमस्कार। आप सब लोगों को हर एक देखने वाले को आपके इस प्यारे रमेश का दिल से नमस्कार। आपके लिए ये खास फिल्म और इस फिल्म के डायरेक्टर हम सब के दोस्त रघुराम जी इस फिल्म के मुख्य कैरेक्टर्स के बारे में आप सबको बताने के लिए कहा है मुझे। सो हियर आई एम। तो सबसे पहले हमारे गोपाल गौड़ा और उनकी पत्नी शांता माँ से मिलिए। मैंने आज तक सिर्फ एक ही आदमी से भीख मांगी है और वो है तुम्हारा बाप। वो भी सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। बच्चे हमारे भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, सिर्फ एक ही तकलीफ है कि उनके बच्चों ने उनके प्यार को नहीं समझा और इस बात का शांता माँ जी को बहुत दुख है। उनके दुख को भुलवा सके और उन्हें ढेर सारी खुशी दे सके इसके लिए गौड़ा जी अलग अलग तरीके आजमाते हैं। देखे देखे देखे, एक नया आइडिया लेकर आए हैं। जगत की सारी अद्भुत चीजें दिखाते हैं वो। कंगन बेच के जो पैसे आए उससे चलते हैं ना। 1959 की जोड़ी देखी ना आपने, अब 2009 के कपल से मिलते हैं, निखिल और निश्चिता। निखिल इज अ बिजनेसमैन, निश्चिता इज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। इन दोनों ने मम्मी डैडी के जबरदस्ती की वजह से शादी कर ली है। बट प्रॉब्लम क्या है, दोनों के पसंद और नापसंद, विजन, एम्बिशन, सब कुछ अलग है। ओह, सेवन वंडर्स। मैं एक बात तो अच्छी तरह से जानता हूँ। This trip to the seven wonders will not make in wonders to our life. Of course, we both are two parallel lines and we can never meet. निको? हाँ मम्मी। ये क्या, तुम्हें इतने कम मार्क्स क्यों मिले हैं? ये हैं सुमति। बेचारी कम उम्र में ही अपना पति खो चुकी है और उसी के साथ हंसी खुशी हिम्मत सब कुछ खो दिया है। She is quite insecure. इनकी जान सिर्फ इनका बेटा है निको और इनका लड़का जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वेकेशन में सेवन वंडर्स देखने के लिए अपनी मम्मी को किस तरह से कन्विंस कर रहा है जरा देखिए तो। मम्मी सॉरी मम्मी, अब से मैं स्कूल में फर्स्ट रैंक ही लाऊंगा। हॉलीडे में सेवन वंडर्स ट्रिप्स में लेकर जाओगी ना? प्रॉमिस प्रॉमिस। ये एक बहुत ही सुंदर गृहस्थी है, पति पत्नी और दो बच्चियां। इस खानदान से हमारा नायक भी जुड़ा हुआ है, नायिका का नाम है प्रकृति। प्रकृति में जैसे गर्मी होती है, बारिश होती है और लगातार मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारे प्रकृति का मूड भी हंसना रोना गुस्सा प्यार इन सब में शिफ्ट होता रहता है। मम्मी टिफिन रेडी है क्या? ए टिफिन रेडी है, पहले आरती ले ले। अगर क्लास में लेट हो जाऊंगी तो डांट पड़ेगी। डांट तो तुझे पड़ेगी, पहले आरती ले ले। अच्छा ठीक है। अरे धूती, कैसी लड़की है ये? तू पक्का कॉलेज ही जा रही थी ना? मैं तो जा रही थी, आप ही ने बुलाकर डांटा मुझे। सुबह सुबह मेरी बेटी को कौन डांट रहा है? हाय डैडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों? मैं नहीं, मम्मी गुस्से में है। ए बाय डैडी। होल्ड डाउन, अभी तो तूने गुड मॉर्निंग कहा और अभी तू जा रही है, फिर तू नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप। सुनिए जी, आप चुप रहिए, ये कभी भी घर में रहती है क्या? और आप हर समय काम काम करके बाहर रहते हैं। शुरू हो गया तुम्हारी मम्मी का पुराण। इसमें गलत क्या है, आप हमारे साथ रहते ही कहाँ? तुम सब ऐसे ही बोलते हो, इसीलिए आपसे फैमिली टाइम। We are all going to the seven wonders of the world. Come. Thank you, Daddy. Thank you so much. One minute. Okay, Mama. मुझे लेट हो रही है। Okay. हाँ, शारदा यहीं पर है। हाँ, मैं उसे बता दूँगा। मैं फोन कर दूँगा। Okay. Thank you. Bye. कौन था? पाटिल ने फॉरेन से फोन किया था। हाँ। प्रकृति की अपने बेटे से शादी कराना चाहता है। एक वार्निंग है। हमारी प्रकृति के सामने शादी की बात कभी मत छेड़ना। शादी की बात अगर आपने की तो समझो प्रकृति प्रकोप में बदल जाएगी। रामायण में भगवान राम के पास जैसे हनुमान थे, वैसे ही हमारी फिल्म में हीरो विश्वा के पास ये मनु नाम का एक कैरेक्टर है। ये क्या है? ताजमहल। अब तक प्यार नहीं हुआ और तुम सीधे ताजमहल ही लेकर आ गए। तो लव हुए बिना ताजमहल दे रहा हूँ, अगर लव हो गया तो क्या क्या दूंगा। आप सब लोगों को हीरो विश्वा के इंट्रोडक्शन का इंतजार होगा, लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से फ्लैशबैक में जाएंगे क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में विश्वा को अपना प्यार मिला या नहीं मिला जानना चाहेंगे? तो फिर शुरू करते हैं। ओके,
मैं चिल्लाऊंगा, साथ में आप भी चिल्लाइएगा। रेडी? ओहो! हे भगवान, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए। तुम्हारा अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हार फूल चढ़ा रहे हैं। अब बस इस शादी नाम के सवाल का मुझे जवाब दे दे भगवान। बॉस, कैसे हो? मैं तो फर्स्ट क्लास हूं। देश में टेररिज्म ज्यादा हो गया है, पॉलिटिक्स तो पूरा खराब हो चुका है, लोगों में खुशी नहीं। किसान के मुंह पर ना खुशी है, ना उत्साह है, ना ठीक से बारिश है। सबकी जो तकलीफें उन्हें मिटाकर सबको एक जैसा रख भगवान, तभी तेरी सीट मजबूत रहेगी और हमारे वोट की गारंटी रहेगी। दुनिया में सभी बलों से अच्छा जो बड़ा बल होता है वो है गुरु बल, और वो गुरु बल सबको मिले ऐसा कुछ करना। थैंक यू। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो तुम। तुम्हें एक अच्छी बीवी मिल जाए ऐसी प्रार्थना भी किया करो खुद के लिए। हाँ, हम प्रॉब्लम मिटाने के लिए मंदिर में आते हैं और आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम ही यहाँ से लेकर जाओ। विश्वा, बिल्कुल मजाक कर रहा था। जिस उम्र में जो जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए। वो तो सही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए ना। हमारे शहर में लड़कियों की कमी है क्या? तुम एक बार हाँ तो कर दो। जब भी ऑटो चाहिए तब ऑटो नहीं मिलती है, अब लड़कियाँ मिलेंगी क्या? पंडित जी, भगवान ने इंसान को दो पैर, दो हाथ, दो आँख, नाक, कान सब कुछ दिया है, लेकिन दिल सिर्फ एक ही दिया है, पता है क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि इस लव मैटर में वो इंटरफियर नहीं करेगा, आपस में देख लेना है इसलिए दिया है। ऐसा है तो फिर भगवान ही तुझे अच्छी दिल वाली लड़की ढूंढ के देगा। ये ऑब्लिगेशन है या लिटिगेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़का हो या लड़की हो, एक जोड़ी तो सृष्टि बनाती ही है। ऑफ कोर्स शादी तो अनिवार्य ही है, पर हर इंसान को इससे प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लिए तो ये ओके है। या, ऑल द बेस्ट। ये पद्धति ठीक नहीं है पंडित जी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? कोई और आके मेरा नसीब कैसे लिख सकता है यहाँ? बेटी याद रखो, जो नसीब में लिखा हुआ है ना वो तो होके ही रहेगा। किसकी जिंदगी में कौन आना चाहिए ये तो उस भगवान ने लिखा हुआ ही है। ठीक है, चलती हूँ। अरे ऊपर वाले, मेरा सर फट रहा है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। गुड मॉर्निंग सर। इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? टेंशन में है वो। हाँ, और सर कैसे हो? हाँ विश्वा, तुम वापस आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे गिरा हुआ शेयर मार्केट फिर से ऊपर उठ गया। ऊपर से तो क्यों पूछ रहा है? विश्वा, अगर तू इस ऑफिस में नहीं रहेगा ना तो मेरे हाथ पैर बंद हो जाएंगे और मैं टेंशन लेता रहूंगा। क्यों टेंशन लेते हो सर? तुझे तो पता ही है, इस साल हमारी कंपनी की तरफ से सेवन वंडर्स टूर्स का पैकेज मैंने अरेंज किया है। Yes. अभी तक तो उसके प्रोसीजर पूरे भी नहीं हुए और फैमिलीज है कि उन्होंने बुकिंग करना भी शुरू कर दिया। कुछ तो करो बॉस। बॉस तो आप ही हो ना? लेकिन इन कामों में तू ही बॉस है। वो सब छोड़िए। Why do you fear when I am here? Everything is all right. सबका पासपोर्ट वीजा के लिए भेज दिया गया है, सबके टिकट्स ब्लॉक करके रखे हैं, सारे वंडर्स पे बेस्ट होटल बुक किए हैं और सब जगह इंडियन फूड का इंतजाम किया गया है। This seven wonders trip will be wonderful trip. Thank you, excellent, very good. बॉस, विश्वा के इस ट्रिप पे मैं भी जाऊं क्या बॉस? हाँ, वो घूमने के लिए नहीं जा रहा है, ड्यूटी के लिए जा रहा है। विश्वा? अच्छा सुन, अगर विश्वा ने हाँ कर दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो, नो प्रॉब्लम, बाय बाय। हेलो, मेरे बॉस का धन्यवाद। हाँ, तू बहुत प्यारा है, हैंडसम है, बहादुर इंसान है। देख, तूने अगर मुझे चेला नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन मैंने तुझे गुरु मान लिया है। तू मुझे अर्जुन बनाएगा या एकलव्य बनाएगा, ये तेरे हाथ में। ये ओल्ड डायलॉग मुझे मत सुना। तू पहले पासपोर्ट ऑफिस जा और सबके पासपोर्ट कलेक्ट करके आ जा, और साथ में सारे टिकट कंफर्म हो गए कि नहीं ये भी देख लेना। तेरा पासपोर्ट भी स्टैम्प के लिए भेजा गया है। थैंक यू डॉन। विश्वा। ओके सर, थैंक यू। मोना डार्लिंग, तुझे प्यार हो जाए ऐसा क्या करूं, मेरे दिल को मत ठुकराना। मेरा सर मत खाना, काम करने देना। हाय मोनिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतना डल क्यों लग रही हो, क्या हुआ? क्यों बे कमीने, क्यों तकलीफ दे रहा है इसको तू?
तकलीफ और इसे तकलीफ सहन करने वाला मैं हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं इसे सिर्फ ऑफिस में टॉर्चर करता हूँ, लेकिन ये मुझे सपने में 24 घंटे टॉर्चर करती है। तुझे प्यार होता ना तो समझता तू। अबे प्यार शकरकंद क्या जो धोया और खा लिया? लव इज जर्नी थ्रू हार्ट्स। देख मन्नो, शादी के मुहूर्त की डेट पुरोहित फिक्स करते हैं, बच्चे पैदा होने की डेट डॉक्टर फिक्स कर सकते हैं, लेकिन दिल में पैदा होने वाले उस प्यार की डेट वो भगवान भी फिक्स नहीं कर पाता। वो तो किसी भी तिथि में। हे भगवान, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसने तो एक पल में मेरे नसीब को ही बदल के लिख दिया था। साइलेंट होके साइड में खड़ा हो जा। हाँ, एक्सक्यूज मी, एनी हेल्प? हेल्प करोगे? तुमने जितनी मदद की है ना उतनी काफी है। मदद? जस्ट माइंड योर बिजनेस, ओके? दिस इज माय बिजनेस। गॉड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अबे बोलना। तुम्हारे लिए वहाँ पे 7 वंडर्स जाने वाले लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओगे क्या? ठीक है, अभी जो लड़की गई ना वो भी उसी ट्रिप में है। ऐसा क्या? अबे पहले बताना चाहिए था। चल आजा। हाय एवरीबॉडी, सब लोग कंफर्टेबल हो ना? हाँ। नमस्कार देसाई जी, मैं हूँ विश्वा, आपका टूर गाइड। टूर गाइड? कहीं तो देखा है मैंने। इसे झेलना होगा। हे यू, थैंकफुल मैन, हाउ आर यू? थैंक्स टू यू आल्सो। थैंक यू सो मच। अब से तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है। व्हाट? आई मीन, तुम सबको मैं 7 वंडर्स लेकर जा रहा हूँ ना, तो आप सबको ठीक से ले जाना और लेकर आना, ये जिम्मेदारी मेरी। कब निकलना है बेटा? दादी जी क्यों इतनी जल्दी में हो? ओहो, इतने सालों से आप जो कहती थी तभी खेत दिखाने वाले गौड़ा साहब अभी आपको 7 वंडर्स लेकर जा रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी मची है क्या? हाँ। बेटा वहाँ खाना पीना सब ठीक से मिलेगा। अरे दादी, वहीं पर स्टोव लाकर दे दूंगा, खुद बना लेना। कमिंग। तुम वहाँ घूमने जा रही हो कि खाना खाने जा रही हो? घूमना भी है और खाना भी है। I need the travel schedule, please. जब विश्वा आपके साथ में है तो फिर शेड्यूल की क्या जरूरत है? Why do you fear when I'm here? अच्छा, ये ट्रिप कितने दिनों की होगी? As long as you people enjoy. What? I mean 3-4 weeks. Excuse me. वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रहने वाली जगह सिक्योर तो है ना? 100%. हमारे साथ विश्वा रहेगा ना तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली। हाय अंकल। हाय निकू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू निकू? मुझे ये एरोप्लेन चाहिए। बस इतना ही ना? टेक इट, एंजॉय। बाय। थैंक्स। हाँ सहना, क्या देख रही हो तुम? सी देयर योर बेटर व्यू, कम ऑन टेक अ फोटोग्राफ। तुम्हारी बहन को भी साथ में लेना। दादा दादी सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। अरे विश्वा, हाँ, ताजमहल कितनी दूर है? आई थिंक और 45 मिनट्स लगेंगे। या विश्वा, स्टॉप समवेयर प्लीज, आई एम वेरी हंग्री। रोक लेंगे। कुछ लोग ना सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं, डिस्गस्टिंग। एक्सक्यूज मी, आर यू हंग्री और एंग्री? क्या आई मीन, ज्यादा भूख लगने के कारण ज्यादा गुस्सा आता है, दैट्स व्हाई। व्हाट हैपेंड? ये क्या है? ये पूरी दो, आप इतना ज्यादा मत खाइए। अरे पूरी आपको मना है ना, फिर क्यों लिया आपने? सुबह सुबह तुम इतना मीठा कैसे खा सकती हो? ठीक है ले लो, इससे एनर्जी मिलती है, आप चुप रहिए। मुझे ऐसा पसंद नहीं, समझी? इतना शुगर वाला क्यों खा रहे हैं? मेरी बात तो सुनते ही नहीं। टाइम कम है, जल्दी जल्दी खाओ। व्हाट इज दिस? सही कहा, बहुत अच्छा है। ठीक है, यू लाइक इट? बहुत बढ़िया, प्लीज टेक इट। अरे विश्वा, नाश्ता अच्छा मिल रहा है? इतना नाश्ता तो अकेला खाएगा? हम लोग सोच रहे हैं कि क्या खाएं क्या नहीं, और तुम देखो इतना कुछ लेकर आ गए। विश्वा, आई कांट बिलीव यू गो टू ईट ऑल दैट स्टफ। निखिल, बड़े बुजुर्ग कहते थे एक ही खाना खाने से अच्छा है सारे आइटम थोड़े थोड़े करके खाएं, उससे सारे खाने का टेस्ट भी तुम्हें मिल जाएगा। और बफे में इतना सारा जो भी खाना है, तो अगर हमने एक आइटम लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, इसलिए किसी भी खाने को बुरा नहीं लगे, इस वजह से मैं सबको एक ही प्लेट में लेकर आया हूँ और अभी मैं खा जाऊंगा। जिसमें जान नहीं है उस चीज को बुरा ना लगे, इसलिए सब कुछ एक साथ खाकर हम अपना पेट बिगाड़ सकते हैं क्या? अंकल जान नहीं है ऐसा मत कहना, हमें दिखने वाले हर एक चीज में जान होती ही है, इन सब में जान है, इसलिए तो हमारे पेट में जाकर हमारी जान बचाता है ये। हम अगर खाने के विषय में भेदभाव करेंगे तो अच्छा नहीं है, सब कुछ उस शिव का प्रसाद समझकर जमकर खाइए, जमकर खाइए। हम बकासुर के खानदान से नहीं है, बोल दे सहाना। मतलब
मैं बकासुर के खानदान से हूँ। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, मैं नाश्ता ही ठीक से नहीं खा पा रही हूँ और तुम इतना सब कुछ। सहना, देखो हमारे देश में इस खाने के लिए कितने लोग मरते रहते हैं, और आजकल की लड़कियाँ खाली पेट रहना मतलब फैशन समझती हैं, ये तो घमंड है ना। हाँ जी, हम ऐसे ही हैं। कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा माता को मना करोगी तो तकलीफ होगी। खाने और दान करने में मना नहीं करना चाहिए, बाकी अपनी अपनी मर्जी, आप लोग खाइए ना। यू नो अंकल, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सही कहा तुमने। देखिए, धरती पर रहने वाला प्यार का मंदिर है। सारे मंदिर धर्म जाति और अनेक भाषाओं के लिए प्यार की बात करें तो सबसे पहले याद आता है ये ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक है। हमारे इंडिया में भी ऐसी चीज है, इसलिए सबको गर्व है। तो हमारी ट्रिप लव से शुरू हो, इसलिए ट्रिप की शुरुआत यहाँ से करते हैं। वैसे शादी से पहले हमें ये देखना चाहिए था। नहीं, अब देख लिया तो भी क्या बुराई है। दादाजी, शाहजहां ने भी निकाह होने के बाद ही इसे बनवाया था। ओ, वो भी मेरी तरह था, बीवी से बहुत प्यार करता था। लेकिन सारे पति वैसे होने चाहिए ना। उतना प्यार पाने के लिए बीवी भी तो लायक होनी चाहिए। इतने सालों बाद भी ताजमहल इतना मजबूत है तो मुमताज और शाहजहां का प्यार कितना स्ट्रॉन्ग होगा। याद से ज्यादा शाहजहां को मुमताज के प्रति जो प्रेम था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उस प्यार के नींव पर ही ये ताजमहल खड़ा है। बेपनाह प्यार एक पवित्र झरने की तरह होता है, इसलिए इस पूरे महल को व्हाइट मार्बल से बनाया है। ब्यूटी ऑफ लव, 4 सदी भी बीत जाए तो भी इस महल को कुछ नहीं होगा। ताजमहल सेम लाइक दैट। इस महल के बीच में ही शाहजहां और मुमताज की समाधि है। कम ऑन, लेट्स गो। चल चल कर थक गई, पैर दुख रहे हैं, अब और नहीं चल सकती। तुम यहाँ घूमने आई हो कि बैठने आई हो? चलो खड़ी हो जाओ, आओ। अरे कहाना नहीं चल पाऊंगी। बहुत खूबसूरत है। वेरी रोमांटिक। सुनिए, आपका कोई लव मैटर नहीं है क्या? आई लव यू। व्हाट नॉनसेंस। ओ, तुम्हें सुनाई दिया क्या? मतलब तुम पहले भी सुनी रही थी। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। क्या कहा तुमने? आई लव यू। फिर से कहा? अरे तुमको कौन कह रहा है, मैं तो ताजमहल को कह रहा हूँ। आई लव यू ताजमहल। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल का यू ना जला, मान भी जाओ। देखा मन्नु, आई लव यू वर्ड को लड़कियाँ क्या समझती हैं। हम किसी को भी कहीं पर भी कह दे तो उन्हें लगता है हम उन्हीं से कह रहे हैं। ताजमहल का इफेक्ट तुम में हो गया बहुत सारा, हर एक शब्द में प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है। सब कुछ इस जगह की महिमा है, बुरा नहीं मानना चाहिए। निको जरा इस तरफ आना। हाँ, रेडी हो ना? हाँ मम्मी। ओके, हाँ। और मेरे बुलबुल इधर आ रहे हैं। अरे मेरा नंबर है, मेरे साथ चलो। जाए बढ़िया बढ़िया। मम्मी ए रुकना, छोड़ो, चले चल बैठ। आजा रे, ठीक चले, खींच के पास में और लेना क्लोज। अरे मारो इसे। Thank you.
माफ कर दो। रो मत बे। काम डाउन शांत हो जाइए। सुमति दीदी, शांत हो जाइए। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, इस समाज में औरतों को तकलीफ देने वाले सिर्फ ऐसे ही लड़के हैं, ऐसा मत समझिए। मदद करने वाले लड़के भी हैं। शांत हो जाइए। ओह, आपके पति आपके साथ नहीं है, इस बात का दुख है। वो साथ हैं या नहीं है, लेकिन आपको रुला कर नहीं गए। आकाश में से तारे बनकर वो आपको देखते होंगे। आप जितना हंसेगी उतना ही वो चमकेंगे और अपनी आंखों से आपको नजर आएगा। तो आंसुओं के द्वारा उनको ऐसे निकालना मत। मैं एक अनाथ हूं। ग्रुप में रहने वाले हर इंसान की खुशी में ही मैं भागीदार होना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है। क्यों पता है? मैं गाइड बनकर जिस भी ग्रुप में जाता हूं उन्हें मैं अपना समझता हूं। अगर आपने कल्पना की तो हम सब एक ही फैमिली के हैं, नहीं तो फिर मैं कौन और आप कौन? I'll just be a guide, that's all. Thanks, विश्वा। अरे यार, इसके लिए क्यों थैंक्स कह रही हो? Fantastic, बहुत अच्छा कहा तुमने। दिन की गिनती में जब हम अपनी जान देखते हैं तो हर सेकंड भी इंपॉर्टेंट लगने लगता है। हम सभी को बहुत खुश रहना चाहिए। वी आर ऑन ए फैमिली। मैंने सोचा नहीं था कि अपनी जिंदगी में इतनी खुशी और इतना प्यार का अनुभव होगा। अपने बच्चों और पोतों के साथ जब ट्रिप पे आते हो तभी ये चीज महसूस होती है। ये तो सच है विश्वा, मैंने तुम्हें थैंकफुल समझा था, लेकिन तुम पावरफुल हो। अरे रे रे रे, इंडिया में एक्शन ब्लॉक्स, सेंटीमेंट ब्लॉक्स बहुत ज्यादा हो गया। अब रोम जाकर रोमांस करेंगे। लोकेशन शिफ्ट टू रोम। ब्लंडर रहने दो, या बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, पता है? क्या है वो? आंटी, आपकी फैमिली से एक आदमी मिसिंग है, आपके पति। कहाँ है वो? ओ विश्वा, उन्हें थोड़ा काम था इसलिए। आंटी, सब लोग यहाँ घूमने आए हैं और इस समय भी उन्हें काम है। मैंने बोला था उनसे। It's okay, let's proceed. अरे ये क्या विश्वा, इसको देख के लग रहा है ये बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। दादाजी, ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं, एम्पी थिएटर है, मतलब वर्तमान काल का नाट्य मंदिर। अभी जितने भी स्टेडियम्स हैं ना, ये डिजाइन देखकर ही बनाए गए हैं। आपको पता है जो आज हम देख रहे हैं ना, उन लोगों ने उसी वक्त बना लिया था। विश्वा, यहाँ रोज नाटक होता था क्या? सिर्फ नाटक ही नहीं, 50,000 लोग इस एम्पी थिएटर में बैठकर एनिमल हंट देखते थे। लाखों लोग हजारों प्राणियों के मृत्यु को साक्षी बनकर देखते थे। दिखने में तो हमारे देश के प्राचीन मंदिरों जैसा है। दिखने में तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जान को जोखिम में डालने वाला, प्राणियों के साथ मारपीट, तरह तरह के युद्ध जैसे मल्ल युद्ध, जटी युद्ध, ये सब सामान्य हो गया था। आपने इंग्लिश फिल्म ग्लैडिएटर देखी है? उसमें जो एक्शन सीक्वेंस है ना, उसका इंस्पिरेशन यही है। अर्थक्वेक से थोड़ी हानि जरूर हुई है इसकी, लेकिन सदियों से ये ऐसा ही है। इतने सालों से ये बारिश, हवा, बिजली, गर्मी, धूल मिट्टी सब कुछ सहन करने के बाद खड़ा हुआ, ये सच में अद्भुत बात है बेटा। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। ख्याल की बात आपने बहुत अच्छे से बोली दादाजी। विश्वा बेटा, इस दुनिया के लोग जिंदा इंसान को तो बचा नहीं पाते, अब दीवार क्या बचाएंगे? It's standing on its own self, dude. Exactly. जिनका दिमाग ठीक होता है उनके लिए ये सोचना आसान है। ऐसे स्वार्थी लोग इस पर विश्वास नहीं करते। She always talks nonsense. ना सर बड़ा है और ना ही बुद्धि। विश्वास ही इंसान की ताकत है, और ऐसी चीजें देखने के बाद तो इंसान की इच्छाएं और भी बढ़ जाती हैं। जीवन तभी पूरा होता है जब ऐसे विश्वास सच हो जाते हैं। इससे बचाना या छोड़ना हमारे हाथ में होता है। कई बार जिंदगी में उस विश्वास को तोड़ने वाले भी आते हैं। जिस विश्वास को तोड़ नहीं सकते वो प्यार है। अगर किसी ने वो तोड़ा है तो
वो लव डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। लव डिसअपॉइंटमेंट नहीं, लाइफ डिसअपॉइंटमेंट। देखो, जब लड़कियों की शादी सही उम्र में नहीं होती है तो ये चीजें मामूली हैं। इडियट। मैं भी जाती हूँ। प्रकृति, इसका कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है। वो तो हमें भी समझ में नहीं आया। तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम उसकी छोटी बहन हो ना, ऐसे मेंटल की तरह बर्ताव करती है। सबक सिखाऊं क्या इसे? वो ऐसी है, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो ना, तुम उसे समझा दो। क्यों, हिम्मत नहीं है क्या? ये बदला है या फिर कुछ और है? ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज है। दोस्ती के लिए आया, कुछ भी करने के लिए तैयार। तेरे इस चैलेंज पे ये विश्वा जीतेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मजा आया ना? लेकिन बस कहाँ है? बस उधर ही है, देखिए। सॉरी यार प्रकृति, असल में मेरा तेरा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। जिंदगी के बारे में जो तुम्हारे नेगेटिव फीलिंग्स है उसे चेंज करने के लिए मैंने विश्वा के साथ चैलेंज किया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बुरा लगा? बुरा लगा, गुस्सा भी आया, पर उस पर नहीं, अपने आप पर। उसके बारे में मैंने बहुत गलत सोचा सहना। यू नो, He can do miracles. विश्वा ने मेरे अंदर एक दूसरी दुनिया दिखा दी है। मैंने कई बातों को मिसअंडरस्टैंड किया और उससे नफरत की। इनफैक्ट मुझे तो उसे सॉरी कहना चाहिए। प्रकृति, तू ऐसे खुश रहती है तो कितनी प्यारी लगती है, पता है? आई लव यू सो मच। देखिए, यह ट्रेवी फाउंटेन, इसके आसपास शॉपिंग एरिया है। आप लोग जाइए और शॉपिंग कीजिए। हाँ। आपके पास 8 घंटे का टाइम है। उसके बाद जॉर्डन के लिए फ्लाइट है। ओके, गो एंड एंजॉय योर शॉपिंग। थैंक यू विश्वा। ठीक है, ठीक है। आंटी, जेब कतरों से सावधान। विश्वा, आई लव यू। मैं जानती थी ये बोलूंगी तो तुम पलटोगे। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? क्या बात है? हाँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेवजह क्यों किसी को तकलीफ दूँ? मतलब मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हूँ? नहीं नहीं, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना बनूं इसलिए। सबको हंसाने की कोशिश में किसी को रुलाना नहीं चाहिए ना। और फिर उसमें लड़कियों के दिल को समझना बहुत ही मुश्किल है। कब इम्प्रेस होती हैं, कब इरिटेट होती हैं, गॉड नोज। सब लोग हंसी खुशी से रहे, यही मेरी इच्छा है। आई एम सॉरी विश्वा, कई बार मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, पर उसकी भी एक वजह है। मुझसे मिलने से पहले ही तुमने मेरी जिंदगी के एक सवाल का जवाब दिया था। मैंने? वो कैसे? मेरी शादी होगी या नहीं, इसका जवाब मंदिर के बोर्ड पर तुमने लिखा था विश्वा। उस वक्त मुझे शादी में विश्वास नहीं था। मैं उस बारे में अलग ढंग से सोचती थी, क्योंकि शायद मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। विश्वा, मेरे और सहाना में एज गैप बहुत कम है। बड़ी बहन छोटी बहन के अलावा हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। बचपन से ही वो थोड़ी बोल्ड और मैं थोड़ी सी रिजर्व्ड हूँ। सब उसकी तारीफ करते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, और इसका मुझ पर नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। बचपन से ऐसा होता आया तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी की कमी हो गई और बड़े होते होते ये कमी बढ़ गई। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो दूसरों से हमें कैसे प्यार होगा? इंसान का दिल अंदर से जितना सुंदर हो वो सुंदरता चेहरे पर दिखाई देती है। प्रकृति, देखो, किसी भी औरत के चेहरे पर ये सोना चांदी जेवर खुशी ला ही नहीं सकती। बदलाव इस प्रकृति का नियम है,
और इसमें अगर इस प्रकृति में बदलाव नहीं आया तो ये अच्छी बात नहीं है। पंख खोलकर नाचना मोर की सुंदरता है, लेकिन वो तभी नाचता है जब बारिश आने वाली होती है। हाँ। और कितनी दूर है? आप ज्यादा मत सोचिए, देखिए देखिए बस ऐसे ही गए ना, पहुंच जाएंगे। चलिए आइए। एक्सक्यूज मी प्लीज अलाउ अस टू सी प्लीज। या या प्लीज श्योर। दिस इज पेट्रा। अरेबिक में इसका मतलब होता है रॉक। ये रॉक कट कल्चर के लिए बहुत ही फेमस है। हिस्ट्री के हिसाब से ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नेबेशन यहाँ पर रूल करते थे, इतना ही पता चल सका है। दे आर मास्टर्स इन वाटर टेक्नोलॉजी। इस रॉक का कलर काफी डिफरेंट है ना? वही तो इस जगह की खासियत है। अरे इसकी खासियत छोड़ो, जरा उस तरफ देखो। हम लोग पेट्रा देखने के चक्कर में तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिए। इस वंडर के सामने इतनी प्यारी ड्रेस पहन के हमें शॉक देने की सोच रही थी ना? यू आर लुकिंग सो क्यूट, आई लव यू सो मच। हे विश्वा, या कम या कैन यू टेक आवर पिक्चर प्लीज? हाँ क्यों नहीं। हाँ रेडी। हाँ थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सहाना वहाँ पर और भी अच्छी चीजें हैं, देखोगी? चलो चलते हैं। या अरे मुझे भी कुछ दिला देना। दादाजी आप ये ऊँट ले लो। ये ऊँट यहाँ पर ये बहुत फेमस है। विश्वा हेलो, लिसन लिसन लिसन, ये इस वंडर का वंडरफुल थिएटर है। ऐसी बात है, बहुत सुंदर है। दादाजी इस जगह को देखने के बाद पता चलता है कि कला और कलाकारों को कितना प्रोत्साहित करते थे पहले के लोग। अभी इसे वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर के नाम से बुलाते हैं। एनी डाउट्स? किसी को अगर फोटो वीडियोस लेना है तो आप ले सकते हो। या कम ऑन गो अहेड। सही चीज। या श्योर। अरे रुको एक मिनट। क्या आप खींचो, आप खींचो। दादा दादी लवली। विश्वा या कला के बारे में, इस जगह के बारे में सब कुछ बता रहे हो, पर मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। एक ही समय पर 7 वंडर्स के बारे में तारीफ करने की शक्ति मुझ में नहीं है। स्टॉप जोकिंग विश्वा, प्लीज। सब लोगों ने जिस तरह इस प्रकृति की तारीफ की है, यह विश्वा उसकी तारीफ इतने छोटे शब्दों में कैसे करेगा? विश्वा ये कहाँ लेकर आए हो? यहाँ देखो। जरा देखो, हमारी प्रकृति को देखकर असली प्रकृति शर्मा रही है। लगता है सुंदरी तुझे देखता ही रहूं। विश्वा वो क्या है? प्रकृति इस पाउंड में एक सेंटिमेंट है। हम अपनी विश करके एक कॉइन या कुछ भी चीज अगर इसमें डालेंगे तो वो चीज
एक व्यक्ति लेकर आएगा, और अगर हमने जो पैसे डाले हैं उससे अगर वो व्यक्ति निकाल लाता है, जो विश की है वो पूरी हो जाती है। ऐसा ही जगह का एक सेंटिमेंट है, ये विश्वास है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। क्यों, तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी टेस्ट करवानी है? ऑफ कोर्स, गो अहेड, बट वन रिक्वेस्ट। हां हां, बोलो। मैं इसमें जो कॉइन डालूंगी उसे तुम्हें ही ढूंढ कर लाना होगा, प्लीज। ओके। लॉकेट की कहानी, अभी जो तुम उठा करके लाए हो उसी का था क्या? या ए, इस तालाब में हजारों कॉइंस हैं, जो तू उठा के लाए उसी का क्या गारंटी? बेटे इधर जो भी कॉइंस गिरे ना, वो थाली में गिरे चावल की तरह है। जैसे हर एक निवाले पर किसी का नाम लिखा होता है, उसी तरह कॉइन पर भी नाम लिखा होता है, और जो प्यार करते हैं उन्हें वो मिलकर ही रहता है। दैट्स इट। अरे यहाँ पर कितने तरह की कॉफी है, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, हम तो बोल भी नहीं पाते। हाँ हाँ, हमें तो सिर्फ एक ही नाम पता था, फिल्टर कॉफी। लेकिन अभी देखो ना कितने तरह की कॉफी आ गई है, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, कैपेचिनो, वैक्सिन कॉफी, आइस कॉफी। ओ माय गॉड। ए निखिल, क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो? ऐसा कुछ नहीं है, एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, इसलिए बुरा मत माना। नई नई शादी होती है तो दोनों एक दूसरे से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रहते, लेकिन तुम लोग आपस में जैसे कोई संबंध ना हो ऐसे बिहेव करते हो। हाँ ऐसा क्यों? देखिए दादाजी, निखिल, पति पत्नी का जो झगड़ा है वो सुबह तक होना चाहिए, लेकिन तुम तो दूसरे देश में आ गए हो उसके बाद भी झगड़ा कर रहे हो। अरे अच्छे से हनीमून मनाओ यार। इतनी बड़ी बात नहीं है विश्वा। वो क्यों? हम अपनी पसंद से शादी करते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन हमारी शादी घर वालों ने करवाई है। मुझे यही बुरा लगता है, बड़े बुजुर्ग सब कुछ देख कर ही शादी करवाते हैं ताकि तुम लोग ठीक से रहो, लेकिन ये बात तुम लोग समझते नहीं। तुम बच्चों को इतनी भी समझ नहीं, जरा हमें देखो, हम बुजुर्गों को देखकर कुछ सीखो। अरे हर बात में घर वालों को बीच में क्यों लाती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व कर लो ना। प्रॉब्लम नहीं, प्रेशर। मेरी जो इच्छाएं और सपने हैं उसे वो समझ ही नहीं पाती। तो तुम्हें उसके साथ हमेशा चलना चाहिए ना। लाइफ में मैंने आज तक किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इसके लिए करूंगा क्या? मेरी बात सुनो बेटी, औरतों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, तुम ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। आंटी मेरा पॉइंट कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अगर वो थोड़ा भी एडजस्ट करता तो मैं समझ सकती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा इगोस्टिक है। लुक, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। होगा, लेकिन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो व्हाट, डबल शिफ्ट तुम्हारे सॉफ्टवेयर में नहीं है क्या? है ना दादी, आप ये कभी नहीं समझ सकती, हम दोनों की सोच बहुत अलग है, बिल्कुल अलग। निश्चिता देखो, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी 15 सालों से अपने पति के साथ खुशी से रह रही हूँ। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं, 7 फेरे लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या यार, ये भी शादी होने के बाद वो सब भूल जाओ, जो मिल रहा है उसे लेकर जिंदगी जीना सीखो। भैया अब आप लोग मेरी बात को ले लो। हाँ। मैं जयंती से शादी करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुई। अभी शारदा मिल गई है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? दादाजी अगर साथ मिलकर जिंदगी जिएंगे ना तो जीवन में सुख और खुशियां आएंगी और रिश्ते मजबूत रहेंगे। यू गॉट इट? तुम्हारा प्रॉब्लम मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया तुम्हें? कितने दिन ऐसे समय बर्बाद करने का सोचा है, आखिर में एक कंक्लूजन पे तो आना ही पड़ेगा। जहां तक चल रहा है चलने दो, अगर ऐसा सोचकर चलोगे तो ये पागलपन है। देखो दोनों किस तरह से बैठे हैं, एक कर्जत की तरफ जा रहा है और एक कसारा की तरफ। बस में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर भी अनजान होने के बावजूद साथ में ही बैठते हैं। ठीक है जाने दो, आप दोनों को मैं दिल से एक बात बताता हूँ, मेरे लिए या फिर जन्म देने वाले अपने माँ बाप के लिए या फिर आप दोनों की जिंदगी ठीक से गुजरे इसके लिए, आज एक दिन पति पत्नी के रिश्ते को पूरी तरह छुट्टी दे दो
और फ्रेंड्स बनकर देख लो। जैसे कि दो फ्रेंड्स पिकनिक पर जाते हैं तो कैसे उस पल को वो लोग एंजॉय करते हैं, उस तरह एंजॉय करो, वो भी दिल से एंजॉय करो। विश्वा क्या ऐसा हो सकता है क्या? ट्राई करके देखो यार, क्या चेंजेस होंगे खुद ही पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट, ट्राई ट्राई, कोशिश करते रहो। हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा लेक्चर सुन रही थी। क्लास के बाहर खड़ी होकर फ्री लेक्चर सुन रही हो क्या? वेरी गुड। ये क्या तुम ऑल इन वन हो क्या? गाइड, फिलोसोफर, कंसल्टेंट, साइकियाट्रिस्ट? क्यों नहीं हो सकता क्या? मतलब क्या एक ही दिन में उनकी फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं? हाँ, पल पल दिल का धड़कना चेंज होता है, फिर ओपिनियन क्यों नहीं हो सकता? ओपिनियन चेंज होने से डिसीजन चेंज होगा? देखो जैसा हम सोचते हैं, अगर वो बदल जाए तो भावनाएं भी बदल जाती हैं, और इन भावनाओं पर ही ये रिश्ते टिके होते हैं। अभी तुम खुद ही देख लो, तुम जब मुझे पहली बार मिली थी मैं तुम्हें पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच सही नहीं थी। लेकिन अभी 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 हाँ बोलो ना अभी ये तो तुम्हें ही बोलना होगा। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय विश्वा, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज। कल कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हे निखिल, देखो कौन आया है। हे डूड, व्हाट्सएप? तुम बताओ। ओह, यस्टरडे वी हैड अ सच अ फैंटास्टिक टाइम, यू नो। हम दोनों पति पत्नी बनकर रहने के बजाय फ्रेंड्स की तरह रहे और मजा किया। एटलीस्ट रोज रोज के झगड़े से तो बच जाएंगे। यू नो व्हाट विश्वा, हमारी शादी होने के बाद कल हमने जितनी बातें की उतनी कभी नहीं की थी। हम साथ में डिनर के लिए गए, हमने साथ में फोटो खिंचवाई, वीडियो बनाए। अगर हम हमेशा ऐसे रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या कहते हो तुम? ट्रू। नो, तुम दोनों की ये सोच गलत है। पति पत्नी के बीच में फ्रेंड्स रह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी पति पत्नी नहीं बन सकते। फ्रेंड्स मतलब एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा रहे इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता। और वही पति पत्नी का मतलब अपना जीवन साथी ऐसा हो उसे वैसा रहना चाहिए, ऐसे इमेजिनेशंस होते रहते हैं, इस कल्पना का कोई रूप नहीं होता। बोलो निश्चिता, कोई रूप है क्या? अगर रूप है तो हाँ, उसका चित्र बना लो। निखिल, इवन यू ट्राई। कम ऑन ट्राई। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक कल्पना है। ओके निखिल, तुम अपने जीवन साथी से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो वो इस पेपर पर लिखो। विश्वा, गाइज आई रियली मीन इट, कम ऑन राइट इट डाउन। ओके ओके। ये लो। ओके, जो सोचा था वो नहीं हुआ, भूल जाइए। अभी इस पेपर में जो जो लिखा है उस तरह से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट आने वाले वेडिंग एनिवर्सरी में तेरी वाली वो और तेरा वाला वो एक साथ रहेंगे। देखो, शादी एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कभी टूटेगा नहीं, बिकॉज मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तुम दोनों की शादी हो गई है मतलब यू आर द बेस्ट पेयर। I really mean it. God bless you. दादाजी, दादी, क्या हुआ विश्वा? जल्दी आ जाइए। आते हैं। देसाई अंकल, देसाई अंकल। क्या हो गया विश्वा? सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? अभी तक उठे ही नहीं क्या? नहीं। ओके, जल्दी आइए। अरे क्या सुबह सुबह विश्वा ने उठा दिया? ए विश्वा, ऐसा क्या क्या खास बात है आज? What विश्वा? Something special? I got it. Your birthday, right? Many happy returns of the day. वो तो जुलाई 12 को है। विशाखा नक्षत्र तुला राशि है ना? दादी जी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आज डेट क्या है? आज सितंबर 14 है विश्वा। So what? Is there anything serious? आप लोग जो कर रहे हो ना वो बहुत ही बड़ा सीरियस ऑफेंस है। ए, सितंबर 14 में क्या आता है? सैलरी आती है। नहीं, हिंदी दिवस है। मेरा सोना। आज हिंदी का जन्म दिवस है, हिंदुस्तान का उत्सव है। इसके अलावा हमारी हिंदी भाषा को शास्त्रीय स्थान और मान मिला था। पर विश्वा, हम तो विदेश में हैं, यहाँ मनाने का क्या फायदा? गलत गलत गलत, कहीं पर भी रहो कैसे भी रहो, लेकिन हमेशा तू हिंदुस्तानी ही रहेगा, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। लेकिन हम इसे यहाँ फॉरेन में कैसे मनाएंगे? तुम सब लोग तैयार हो जाओ, कैसे मनाना है मैं बताता हूँ।
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ये मॉल तो हमारे मुंबई के मॉल जैसा ही है ना, हाँ? ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। I was just kidding. But that was also nice. Hi Nikhil. Hi Nu. Hi. Hey Nikhil. मैं विश्वा हूँ। Hey dude. Hi Thanks Vishwa. A lot, Vishwa. You're welcome. You have changed our life forever, you know. Aha. ऐसे जीने में बड़ा मजा आ रहा है विश्वा। Very happy for you. I promise you, Vishwa. अब से हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुशहाल और हंसते खेलते रहेंगे। Very good. Congratulations. Thank you Nikhil, so much. You went to center point? No. Please go. Oh sure. Okay, yeah. All bye the best. Bye bye. Bye. Okay. Bye. Nikhil and Nishita, they are made for each other. Hmm. हम दोनों कितने दिन साथ रहेंगे? ये टूर खत्म होने तक। ए विश्वा। हाँ। बाद में? प्रकृति, पैकेज ट्रिप में एक्स्ट्रा टूर नहीं है, कंपनी को लॉस होगा, सॉरी। विश्वा। अलास्ता विलास्ता। एक्सक्यूज मी। अलास्ता विलास्ता, ये शिवाजी की आइटम की तरह है, $20, $50। पैसे लो और ये दे दो। सेल मिस्टर। क्या देख रहे हो दो ना? हे, क्या कर रहा है यार? अरे अरेबिक सिखा रहा था यार। भाषा ठीक से नहीं बोलोगे ना तो उल्टा लटका कर मारेंगे। खेमदा। हे खेमदा मतलब खांसना नहीं, कितने का होता है? खेमदा। हदा तमसिल दिनार। हना दे अच्छिल दिनार। नामुमकिन मिस्टर। हना दे अच्छिल दिनार। नो ओके, चलो वो खुद बुलाएगा। दाल 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 दाल। हाँ मैंने कहा था ना, चलो पैसे दो। दो 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 दो। देखा कितने इंटेलिजेंट है। तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती है, इतना सब सीखने के लिए टाइम कब मिलता है? सहना, दिल है तो रास्ता है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। हम जो भी काम करते हैं ना, अगर वो श्रद्धा से करेंगे तो वो 100% होकर ही रहता है। हे सहना, yes. यहाँ क्या कर रही है? चलो ना हमारे साथ। चलो यहाँ। ओके यार, कमिंग। विश्वा, हम भी तो इतनी कोशिश कर रहे हैं पर हमसे नहीं हो रहा। प्रकृति, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था पता है? क्या कहा? तुम अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये सब मैं भी जानती हूँ। कृष्ण का जवाब मुझे नहीं चाहिए, विश्वा का जवाब चाहिए। किस सवाल का जवाब? नाटक मत करो विश्वा, कल ठीक 4 बजे जुबैर पार्क के पास तुम्हारा वेट करूंगी, वहां कर मुझे अपना जवाब दे देना। बाय। विश्वा। हाँ बोलो सुमति बहन। दादाजी को अचानक चेस्ट में पेन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। आप डरिए मत, मैं फोन करता हूँ। मुलपे का नंबर क्या है? डायल नंबर में होगा। हेलो, हाँ डॉक्टर मुलपे, दिस इज टूर मैनेजर विश्वा स्पीकिंग। टेक अ ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ, ओपन योर आईज। Come for a while. Yes, doctor. Mr. Vishwa, his condition is normal but unfit to travel. He needs at least 2 days bed rest. Please take care of him. Yeah, okay, doctor. If there is anything else, can I call Surely. You? Surely. Thank you. Welcome. क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर? हाँ बेटा क्या कहा? अरे दादी आप डर क्यों रही हो? वेदर चेंज हो गया ना? हाँ. तो डॉक्टर ने 2 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। देख बेटा, हमें छोड़कर कहीं मत जाना। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है। दादी जी क्यों इतना सोच रही हो? मैं भी आपके बच्चे की तरह हूँ ना। क्यों अंकल? सही सही कहा बेटा तुमने। अगर उन्होंने हमारी इतनी चिंता की होती तो हमारा यह हाल नहीं होता बेटा। दादी आपके बेटे का नंबर है क्या? हाँ बेटा। हाँ मुझे दो। हेलो, हाँ मैं विश्वा बात कर रहा हूँ, टूर मैनेजर, जॉर्डन से बात कर रहा हूँ। बोलिए। आपके डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेड रेस्ट पे है। क्या जॉर्डन में? हम यहाँ इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो दुनिया घूम रहे हैं। हेलो, आप ऐसे रूडली बात मत कीजिए। और मैं क्या बोलूं, हमें बिना बताए घूमने चले गए और अब तबीयत ठीक नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं? उम्र होने के बाद इंसान को घर में रहना चाहिए ना। माइंड योर टंग। पड़े रहने के लिए वो कोई सामान नहीं है, वो एक इंसान है, तुम्हें जन्म देने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, बचपन से बड़े होने तक आपको माँ बाप की जरूरत होती है और अब नहीं है क्या? जब माँ बाप आंखों के सामने होते हैं ना तो उनकी वैल्यू समझिए, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये सब कहने वाले तुम कौन होते हो? माँ बाप की कीमत जानने वाला। विश्वा, मेरे बेटे सतीश ने फोन किया था। अच्छा। जब हम गांव में थे तब तो जिंदा हैं या मर गए ये जानने की भी कोशिश नहीं की। ये सब कैसे हुआ? हाँ,
कैसे दादाजी, ये आंसू किस लिए? 6 साल के बाद आज उसने फोन किया, इंडिया कब आओगे, एयरपोर्ट से मैं पिकअप करूंगा, उसने ऐसा कहा। अच्छी बात है ना, छोड़िए अब तो वो समझ गया ना। वो कुछ भी नहीं समझा बेटा, तुमने समझाया। दादाजी दादाजी रिलैक्स रिलैक्स, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, आप रेस्ट कीजिए, हम कल बात करते हैं। दादाजी दादाजी को जूस पिलाइए, अगर आपको कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करना, मैं पास में ही हूँ। आंटी आपको कुछ काम है क्या यहाँ पर? मैं इनके साथ ही हूँ। क्यों बेवजह डिस्टर्ब कर रहे हो इनको? चलिए चलिए चलिए, एंजॉय करने दो इनको, आइए, बाय दादाजी। देखो दादाजी अभी जिस हालत में हैं, वो अभी 3-4 दिन ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो अभी आगे की जर्नी कैसे करनी है ये आप लोगों को मिलकर फैसला करना होगा, ओके? अगर ऐसे हालात में हम लोग टूर करने भी गए तो वहाँ घूमने पर कोई मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दादाजी को ठीक हो जाने दो, उसके बाद ही हम जाएंगे। नाइस, वेरी नाइस। मनु, सही कहा ना, ऑफिस में फोन करके पूरा प्रोग्राम रीशेड्यूल कर दो। ओके मेरे दोस्त, जल्दी। अंकल आप विश्वा, बेटा मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, चलो हम भी चलते हैं, कल शाम को मिलोगे? या श्योर, जुबेर पार्क में? यस अंकल। ओके विश्वा, मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है तुम जानते हो? बोलिए ना अंकल। देखो विश्वा, हम अपनी सारी समस्या हर किसी के सामने नहीं बोल सकते, चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बाप हो, हम उनसे ऐसी बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ साफ दिल वाले से ही अपनी बात बोल सकते हैं। पता नहीं क्यों बेटा, जब से हमने तुम्हें देखा है, तुमसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने का मन करता है, और उन प्रॉब्लम्स को तुम ही सॉल्व कर सकते हो ऐसा हमें लगता है। क्या बात है बताइए ना। हम 7 वंडर्स देखने के लिए इस ट्रिप पे नहीं आए हैं। तो फिर इस शहर में मेरा बहुत पुराना दोस्त पाटिल रहता है, उसके बेटे के साथ अपनी बेटी प्रकृति की शादी करवाना चाहता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस में गलत डिसीजन लेने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, मुझे वापस खड़ा करने वाला वही इंसान है, अभी वो मेरी बेटी प्रकृति को वो अपने घर की बहू बनाना चाहता है, उसका एहसान चुकाने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। विश्वा, मेरे फैसले से जरूरी प्रकृति की राय जरूरी है, इनफैक्ट उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। आपने ये बात प्रकृति को क्यों नहीं बताई अंकल? उसको बचपन से ही इनकी छोटी बहन कमला बहुत पसंद थी, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा उससे लगाव था उसको। कमला की शादी होने के बाद उसने आउटहाउस में ही अपना घर बसा लिया। मेरी बहन की किस्मत बहुत खराब थी कि उसे अच्छा पति नहीं मिला, बहुत पीता था वो, पैसे के लिए तकलीफ देता था, ये सब देखते हुए ही प्रकृति बड़ी हुई है, और परेशान होकर एक दिन मेरी बहन ने आत्महत्या कर लिया। उसी दिन से प्रकृति को शादी के नाम से विश्वास उठ गया। अब तुम्हें कुछ भी करके प्रकृति को शादी के लिए मनाना होगा। अंकल मैं कैसे? प्लीज बेटा। हाँ बेटा विश्वा, प्लीज हेल्प करो। 7 वंडर्स देखने के बहाने हम उसे यहाँ तक लेकर आए हैं ताकि हम उसे शादी के लिए मना सके, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रही। पर एक बात है, वो पहले जैसी नहीं रही, अब वो सबसे अच्छे से बात करती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। रस्म के तौर पर पहला निमंत्रण कार्ड भगवान को देते हैं, लेकिन तुम हमारी जिंदगी में भगवान की तरह आए हो, इसलिए हम पहला निमंत्रण तुम्हें देते हैं, तुम्हें ही वहां खड़े होकर ये शादी करवानी होगी बेटा। हाँ विश्वा, प्लीज हेल्प। प्लीज चलते हैं बेटा। स्क्रीन प्ले में कितना ट्विस्ट है देखा आपने? आराम से लव स्टोरी चल रही थी, अचानक बीच में मैरिज की न्यूज से ब्रेक हो गया। एक तरफ टेंशन, दूसरी तरफ कंफ्यूजन।
सेकंड हाफ को डायरेक्टर कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। हाय विश्वा। हाय। अब मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा सवाल ही सही नहीं था। क्यों सही नहीं है? मैंने जो सवाल पूछा है वो तुम्हारी आंखों में है और उसका जवाब मेरे दिल में है। तुम्हारे दिल में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो विश्वा, तुम्हारी आंखों में मैं ही हूँ। प्रकृति, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। तुम गलत हो विश्वा, मैं अपने दिल की बात सीधे सीधे तुमसे कह रही हूँ। आई लव यू विश्वा। प्रकृति। विश्वा, मुझे भी पता है कि तुम मुंह खोलकर बोल नहीं सकते, लेकिन आंखों से बातें तो कर सकते हैं ना। प्रकृति, मैं अभी अभी आया हूँ। मैं अभी शादी की बात थोड़ी ना कर रही हूँ विश्वा। एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में दो लोगों का आसरा होता है, एक जन्म देने वाले, दूसरा हाथ थामने वाला। पर मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी जिंदगी में दोनों ने मुझे समझे बिना अकेले ही फैसला कर लिया। तुम जब इनविटेशन ले रहे थे तब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। तुम मुझसे प्यार करते हो, यह उसका सबूत है। तुम अपने आप को धोखा मत दो विश्वा। प्रकृति, बेवजह किसी भी रिश्ते की कल्पना मत करो। मैं रिश्ते की कल्पना नहीं कर रही हूँ, उस भगवान ने सब कुछ लिखा है। उस दिन जब मंदिर में मैंने पूछा था कि मेरी शादी होगी या नहीं, तो तुमने ही लिखा था कि होगी। मेरा दिल तो यही मानता था कि शादी बेकार है, पर तुमने मेरी सोच बदली। प्रकृति, हम जो सोचते हैं वो अक्सर नहीं होता। हमेशा हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, रिश्ते, समय, परिस्थिति, ये सब देखना पड़ता है। तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी को लेकर कभी गलत सोच सकते हैं क्या? दिए हुए जबान को बचाने का मकसद हो सकता है, लेकिन उसके अलावा उनका ये भी मकसद है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाएगी और सुखी रहेगी। और अगर तुमने इसे नहीं अपनाया तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। प्लीज प्रकृति, ये सब तुम अपने दिल से निकाल दो, अपने मम्मी डैडी की बात मान लो। वो सब तो ठीक है, हम जिन चीजों को खाते हैं तुम उनकी भावनाओं को समझते हो, ऐसे इंसान हो तुम, तो फिर मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? तुम्हें अपने दिल में रखकर मैं किसी और से शादी कैसे करूं? प्रकृति, बेवजह जिद मत करो। विश्वा, तुम जब डैडी से बात कर रहे थे तब तुम दोनों के बीच में आकर अपने प्यार के बारे में मैं बता सकती थी, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे डैडी के सामने तुम्हारा सिर झुके, इसलिए मैं खामोश रही। ठीक है विश्वा, मेरे डैडी की बात की रिस्पेक्ट करके तुम मुझे मनाने आए हो ना, वही प्यार वही इज्जत मैं तुमसे करती हूँ, इसलिए ये शादी करूंगी। पर जब मेरी उससे शादी हो रही होगी तब तुम वहां आना और मुझे उसके घर छोड़ कर आना। इस कॉइन पर तुम्हारा नाम लिखा था क्योंकि मैंने तुम्हें मांगा था विश्वा। मैं उस घर में रहूंगी पर मेरा दिल तुम्हारे पास होगा। आई लव यू विश्वा, आई रियली लव यू। कॉफी चाहिए क्या? डैडी, यू वांट अ वाइट? सो स्वीट। डैडी। बोलो बेटा। आप जहां चाहते हैं मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। हाँ? क्या तुम सच कर रही हो बेटी? हाँ। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट बेटी। हाँ। विश्वा ने आकर मुझे सब कुछ बताया तो मैं मान गई। सरप्राइजिंग, वेरी गुड। प्रकृति, मैंने कहा था ना विश्वा को ये काम दोगे तो वो करके ही रहेगा। फैंटास्टिक, लेट्स हैव अ पार्टी टुडे। क्यों देसाई, गेट टुगेदर सबके लिए गिफ्ट हूँ क्या बात है?
इतना खुश क्यों हो तुम? हुँ? जब बेटी शादी के लिए हाँ कह दे तो कौन सा पिता खुश नहीं होगा भैया? What? शादी? हाँ, तो इसमें नई बात क्या है? बात पुरानी है लेकिन खबर नहीं है। इसी शहर में रहने वाला मेरा क्लोज फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी प्रकृति की शादी फिक्स हो गई है। What's happening, dear? I don't know. Surprise for me also. I just can't believe this. तो क्या? जल्दबाजी में अपने हाँ कह दिया? पहले ही बातचीत हो गई थी। प्रकृति ने आज हाँ कह दी है और इसकी वजह विश्वा ही है। ऐसा कोई काम नहीं जो विश्वा नहीं कर सकता। भगवान है ये तो। दादी, विश्वा तो दानवीर कर्ण जैसा है। उसके पास कुछ हो या ना हो, पर वो दान करने से पीछे नहीं हटता। विश्वा, तुम्हारी वजह से आज हमारी पूरी फैमिली एक हो गई है। हमने तुम्हारे साथ जो भी पल बिताए हैं ना, वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू विश्वा। वेलकम आंटी। सही कहा, आज हम सिर्फ विश्वा की वजह से खुश हैं, इसलिए तुम्हें थैंक्स विश्वा। हमें अपनी बेटी की शादी अपने देश में अपने गांव में बड़े ही धूमधाम से कराने का मन था, लेकिन यहाँ दूसरे देश में आकर हमें लगा हमारा यहाँ कोई नहीं है, और हमारी बेटी के साथ जो गलत हो रहा था इस बात का दुख था। लेकिन इस टूर में आप लोग माँ बाप की तरह मिले। बहन के रूप में सुमति मिली और ये निखिल निशिता तो घर के बच्चों जैसे हो गए हमारे लिए। अब मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मेरी बेटी की शादी आप सबको मिलके ही करानी होगी। कल हम लोग अपने समधी जी के घर जा रहे हैं, आप लोग को भी हमारे साथ आना होगा, प्लीज। कब से बात कर रहा हूं मैं और तू रिमोट के साथ खेल रहा है। एक लॉकेट की कहानी बनाएगा ऐसा सोचा था, लेकिन तू तो हवा को गोबर बना रहा है। हवा का गोबर ही तो है मन्नू। प्यार जब उमड़ता रहता है ना, तब फील देकर सपोर्ट करने वाले लोग, वही प्यार जब तकलीफ में होता है तो उसका साथ नहीं देते हैं। साथ? चांद ने चादर ओढ़ा होगा, हवा में सांस रहता है और आंखों में पानी, आखिर में जो बसता हुआ है मिट्टी। ये लड़की, धन और मिट्टी, इन तीनों चीजों के लिए किस्मत होनी चाहिए, ये सच है। क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू शादी के नाम से चिढ़ती थी, फिर तू अचानक शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? गलत सोचती थी। गलती ही है, उसके प्यार को मैंने ठुकराया, ये गलत है। उसके पिताजी जब आए थे और उसकी शादी के बारे में मुझे बताया था, तो मैं उसे कैसे अपना लूं? इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पार्टी में तूने जैसे बात की मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिसे समझना चाहिए था वो नहीं समझा। तो इस बारे में क्यों सोच रही है? मैं सोच कर रिश्ता नहीं बनाता, खोने से पहले मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मुझे प्यार से ज्यादा इंसान का महत्व है। प्यार के मामले में दिल मायने रखता है, बाकी कुछ काम नहीं आता। जो ट्रेन जा चुकी उसका टिकट मत खरीद विश्वा। रिजर्व करके टिकट हमारे हाथ में होने के बाद भी कई बार हम ट्रेन मिस कर देते हैं। फॉरगेट इट यार। विश्वा ने तुझे बदल दिया मुझे पता है, लेकिन तू इतनी बदल जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। अभी भी बहुत कुछ बचा है बदलने के लिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कल लड़के के घर जाने का प्रोग्राम है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है ना? नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारे सास ससुर। खुश रहो बेटी। God bless you। कितनी बड़ी हो गई है, गुड़िया की तरह लग रही है। सहाना भी ऐसी है। My God। Hi, कैसे हो? How are you? I'm fine। Please। आइए आइए आइए। बैठो बेटी। बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठो। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठो शारदा। So,
ये लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी होती है पता ही नहीं चलता। मेरी भावनी को देखो, कब बड़ी होगी और कब शादी की पता ही नहीं चला। बाय द वे मोहन, मेरा दामाद। हेलो, नाइस टू मीट यू। देसाई अंकल, मेरी शादी में तो आप आए ही नहीं, अपनी बेटी की शादी में आ गए, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ। आप सबको देखकर लगता है जैसे इंडिया ही हमारे घर आ गया है। थैंक यू सो मच। अभी शादी खत्म होने तक जॉर्डन में हमारा ही राज है। सच कहा, तुम्हारा ही राज है, लेकिन तुमने मुझे अपना एहसान उतारने का मौका दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मेरे और तुम्हारे बीच में एहसान का बोझ, ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बन रही है, हमारे लिए पुण्य की बात है भाई। वो तो सही है, माय ब्रदर इज लकी, उसे इतनी सुंदर लड़की मिली है, वरना कहाँ मिलती। एकदम सही कहा, सेलेक्ट किए बिना ऐसी लड़की मिली है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। डैडी देखिए ना डैडी। तेरी मम्मी के बारे में मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा दूल्हा कहाँ है? कौन हो? कौन हो तुम सब लोग, ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे मुझे मत देखो, आई डोंट लाइक इट, नजर लग गई तो। एक्सक्यूज मी, सब लोग खा खा के मोटे हो गए। गजनी? या खजनी। हे खड़े हो जाओ। ओह थैंक यू सो मच। हे ये कौन है? ये मेरे घर का मैनेजर, सुपरवाइजर, कुक, सिक्योरिटी, सब कुछ, ऑल इन ऑल। ये तो हमारे विश्वा की तरह। ये विश्वा कौन है? मेरी तरह हैंडसम है क्या? नहीं, वो तो बहुत स्मार्ट है। I don't like it. तुम अभी तक बच्ची हो, मुझे वो पसंद नहीं है, जाने तो छोड़ो, मेरा भी एक कॉम्पिटिटर है, पता है क्या बॉस? वैसे ये सब कौन है? ये सब देसाई फैमिली है, ये प्रकृति है, दुल्हन। दुल्हन मतलब ब्राइड। एक्सक्यूज मी यंग लेडी, एक फोटोग्राफ दीजिए, स्माइल प्लीज। तुम्हारा भी हमारे पास रहना चाहिए, समझ गई ना? स्माइल कीजिए अब थोड़ा सा। अरे ये ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है? इसे प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 15 दिन के बाद इसे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए सबकी फोटो खींच लेता है। ये तो गजनी पॉइंट है। ये मेरा पॉइंट है, मेरी लाइफ स्टोरी को चुरा कर फिल्म बनाकर मेरी लाइफ की कोई स्टोरी नहीं, ऐसा कर दिया तुम लोगों ने। तीन फूल जानती हो कौन है? 1, 2, 3। मेरी स्टोरी चुरा कर फिल्म बनाने वाले ये तीन लोग अगर मेरे हाथ लग गए तो इनकी मैं सपक। सुप्रांत, बेंगलुरु के फुटपाथ से लेकर जॉर्डन के 5-स्टार होटल में भी चाइनीज फूड एंजॉय कीजिए। आपने बुलाया दादाजी? अब आगे का क्या प्लान है भाई? चले क्या? विश्वा, इनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, टूर खत्म करके जल्दी ही वापस चले जाएंगे। दादी जी, प्रकृति की शादी? मुंबई में हम रिश्तेदारों की शादी में काम की वजह से नहीं जा पाते, तो यहाँ कैसे जा पाएंगे? और अभी तो इस शादी में 7 दिन बचे हैं। और 7 दिन रुककर शादी अटेंड करने जाऊंगी तो मेरे बेटे का स्कूल मिस हो जाएगा। जहाँ भी वो रहे, खुश रहे और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर हमारे इस टूर को आगे बढ़ाना मुझे अब ठीक लग रहा है। तुम क्या बोलते हो बेटा? मैं क्या कहूं दादाजी, सबको अपना अपना काम जरूरी है। हम तो ट्रिप पर आए थे, उसका मकसद क्या था? हम 7 वंडर्स देख सके। कोई आए या नहीं, अब हमारी जर्नी हमें कंटिन्यू करनी है, दैट्स माय ओपिनियन। बेचारे प्रकृति के डैडी आप लोग शादी में आएंगे ऐसा सोचकर बैठे हैं। मैं काम करता हूं, मैं प्रकृति से मिलकर, सॉरी प्रकृति के डैडी से मिलकर ये बात उन्हें बता कर आता हूँ। मनु, यू जस्ट टेक केयर। भैया, प्रकृति दीदी ने आपको देने के लिए कहा था। पता है विश्वा भैया बहुत दुखी लग रहे थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। अब वो ऐसे ही रहने वाला है। क्यों, क्या हुआ? लोग अपनी जिंदगी में खुश रहे ऐसी प्रार्थना करने वाला विश्वा अपने दिल में दर्द लेकर तड़प रहा है। पर ऐसा क्या हो गया विश्वा के साथ
वो जिससे प्यार करता है उसके बाप को जुबान देके फंस गया है। उस लड़की को दूसरे से शादी करने के लिए मनाना एक प्रेमी के लिए कितना मुश्किल है, आप खुद एक बार सोच के देखो। विश्वा और प्रकृति एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, ये बात वो बताने ही वाला था लेकिन बीच में शादी की बात आ गई। लेकिन हमें तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। पहले पता होता तो उस देसाई से बात कर लेता मैं। क्या कर सकते हैं, हालात हमारे काबू में ही नहीं। सुमित्रा। हाँ कहिए ना। कॉलेज के दिनों में जब मैंने इसे देखा था तब नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। इतनी मस्ती करते थे ये। क्या बोल रहे तुम? मस्ती नहीं, नालायकी करते। बच्चों के सामने ये सब बोल मत बोलो, तुम समझा करो। अंकल आप भी बंक करते थे क्या? नहीं, बंक करने में तो एक्सपर्ट था, एग्जामिनेशन के समय पर अटेंडेंस तो होती नहीं थी। रॉक्सी ये मेरा क्लोज फ्रेंड था, लेकिन कब कॉलेज आता था, कब चला जाता था, नो इन्फॉर्मेशन, आस्क हिम। इस बार में आपने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सब मैं तुम्हारे लिए करता था। मुझे तो ये लव स्टोरी लग रही है। क्या हुआ यार देसाई, यहाँ पर कुरुक्षेत्र चल रहा है और तेरी बेटी दरवाजे की तरफ देख रही है। दूल्हा कब आएगा उसका इंतजार कर रही है। ओ राइट प्रकृति। मालिक, मेरे फोटो कलेक्शन में से छोटे माले की फोटो किसी ने चुरा ली है, उनका चेहरा पहचान नहीं पा रहा हूँ। Could you help me? I'm sorry. ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी कैरेक्टर है हमारे घर में। वो सब छोड़िए, मेरा बेटा तो आप लोग आने वाले थे ये सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इन्होंने ही उसे किसी काम से भेज अभी दिया। पहुंच जाएगा यार, he's almost on the way. अंकल। हाय विश्वा। हाय विश्वा। यस। हाय विश्वा। हाय। यही विश्वा है क्या? अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। We too missed you। विश्वा, मीट माय फ्रेंड मिस्टर पाटिल। हेलो यंग मैन, ग्लैड टू मीट यू। प्लेजर इज माइन सर। ये मेरी श्रीमती है। नमस्ते। और ये मेरी बेटी है। नमस्ते। और ये दामाद। नमस्ते। नाइस टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू। बैठो ना। जी, थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। पाटिल, आज हम सबका एक साथ होने का कारण सिर्फ यही है। I know the man who does miracles. Exactly. मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, ये तो बस इनका बड़प्पन है। बाकी सब कहाँ है विश्वा? वही बात बताने के लिए आया हूँ। क्यों बेटा? Why? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रकृति की शादी होने तक सब लोग यहाँ रुक नहीं पाएंगे क्योंकि सबके कमिटमेंट्स रहते हैं ना, इसलिए टूर कंटिन्यू करने का फैसला किया है। सोचा कि जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं और प्रकृति को विश कर दूं। Excuse me, तुम हमारे मालिक का ही काम करने के लिए गए थे ना, फिर शादी में दूल्हा ही नहीं रहेगा तो कैसा चलेगा रे? ए पागल। हाँ कौन है बे, डोंट डिस्टर्ब मी। सिर पे एक मारूंगा ना तो मेमोरी परमानेंट लॉस हो जाएगी। दूल्हा वो नहीं बल्कि मेरा बेटा है। ओहो, फिर भी सेफ्टी के लिए इनकी एक फोटो ले ही लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, स्माइल प्लीज। लेकिन विश्वा, तुम टूर अकेले कंटिन्यू करोगे? जोक है क्या? नहीं, सब लोग अब। मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ऐसी बात नहीं। कोई बात नहीं, विश करो और चले जाओ। एडवांस विशेस फॉर द मैरिज। टच करने का अलग ही मजा है। आई लाइक इट। टच करते रहो रे। ये हाय अंकल। हे निकू, सुनिए, काफी दिनों के बाद इतनी अच्छी कॉफी पी है।
फ्लाइट में नहीं लाते हैं ना दादी, तो अच्छा ही रहेगा। हाँ जी। दादा दादी आप यहाँ कैसे? Hey dude, welcome. Take a seat. Let's have some homemade breakfast. विश्वा, अब हम यहाँ आए ही हैं तो सब कुछ देखकर ही जाएंगे। दो दिन बेटे का स्कूल मिस भी हो गया तो क्या हुआ? हाँ विश्वा, मैंने भी अपनी छुट्टियाँ आगे बढ़ा दी हैं। इस शादी में हम लोग सब यहीं पर रहेंगे, ऐसा डिसाइड किया है। या निखिल, आप लोगों ने कहा था कि निकलते हैं और अभी आप लोग ऐसा कहोगे? टेंशन मतलब गुरुजी, इतनी आसानी से शादी होने देंगे क्या? मन्नू विश्वा, हम लोगों ने तो निकलने का फैसला कर ही लिया था। हमारे प्रति देसाई का इतना प्यार और विश्वास था कि हम सबको उसने फैमिली मेंबर का स्थान दे दिया। ठीक है, प्रकृति की शादी आप लोग करवाओगे ऐसा कहा, तो अब इतनी दूर आकर बिना शादी करवाए चले जाएं तो ये तो ठीक नहीं है ना। अरे रे, कोई भी मेरे घर में ऐसे मुंह उठा के गुस्सा चलाएगा क्या? ऐसे कैसे चले जाएगा? क्या हुआ भाई, कौन है? ये सब देसाई की तरफ से शादी के लिए आए हैं। शादी खत्म होने तक यहीं रुकेंगे? हाँ, यहीं रहेंगे। ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था, सबकी फोटो निकाल कर मैं पहले ही रख लेता। पहले इतनी सारी टेंशन, उसके साथ कंफ्यूजन भी है, सबका फोटो खींच खींच के फोटो स्टूडियो की तरफ बन गया है। I don't like it. मेरे बेटे की शादी हमारे देश में हमारे लोगों के बीच में करवाने का सोचा था मैंने, लेकिन परिस्थिति बदल गई। अभी आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं तो इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के लोग आए हुए हैं। सर वो ऐसा नहीं है। ये नहीं और वो नहीं, कुछ नहीं। ट्रेवल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो सब मैं कवर करूंगा। नो प्रॉब्लम सर। जब हम दूसरे देश में रहते हैं तो ये वॉर, वोल्केनो, अर्थक्वेक जब होता है तो हम वहीं स्टे बैक करते हैं। ये भी वैसे राइट। विश्वा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, रिलैक्स। रुक जा विश्वा। ओके ओके, आप सब लोगों ने डिसाइड किया है तो सर मैं अभी जाकर चेंज ऑफ प्रोग्राम कह रहा हूं। जल्दी आना। विश्वा, एक मिनट विश्वा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हारे पास आऊंगा ये उम्मीद भी मत करना प्रकृति। इस परीक्षा में मैं जीत कर ही रहूंगी विश्वा। शादी के लिए 7 दिन बचे हैं एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट डे। तुमने इस घर में कदम रखा, इसका मतलब तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ चुके हो। लेकिन 7 वचन नहीं निभा पाऊंगा। अग्नि साक्षी से ज्यादा आत्म साक्षी महत्व रखता है और तुम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। सपने देखना और उस सपने को सच करके दिखाना, दोनों में बहुत अंतर है प्रकृति। ठीक है, मेरा दिल जो तुम्हारे पास है उसे वापस कर सकते हो। तुम्हारा दिल? हम दोनों के प्यार की निशानी, तुम्हारे पास जो कॉइन है दो मुझे। क्या हुआ, देने का मन नहीं है? ये सिर्फ एक कॉइन नहीं है बल्कि इसमें हम दोनों का दिल है। तुम जब तक मुझे आई लव यू नहीं कहोगे तब तक मैं इसे संभाल कर रखूंगी। What a tragedy. लवर को लेकर शादी करने वाले दूल्हे के घर लेकर आ गए। I don't like it. शादी टूटने से पहले मेरे मालिक को बताऊंगा। विश्वा, एक बात याद रखना, सप्त सागर, सप्त स्वर, सप्त ऋषिगण, ये सब जितने सच है ना उसी तरह से हम दोनों 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। क्या यार, दूल्हे का कोई अता पता ही नहीं है, अभी आएगा, थोड़ी देर में आएगा, ये कह के कितना समय बीत गया है। अरे हमें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। थोड़ी देर में आ जाएगा, आ जाएगा। Come on, Mr. Patil, please show us the groom's photograph. आहा, इतनी आसानी से हम दूल्हे को कैसे दिखा सकते हैं? मैडम, दूल्हे को आखिर कितनी बार इंट्रोड्यूस करोगे? दूल्हा तो आखिर यही है ना। ये क्या है सुमित्रा, दूल्हा हमारे बीच में नहीं है, तुमने बताया नहीं मुझे। मुझे तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लेकिन तुम्हें तो फुल टाइम आई साइट लॉस है। आप अपने बेटे को नहीं दिखाओगे तो उसे हमारे बेटे से शादी करनी होगी। राइट। अरे, ऐसे रिश्ता कैसे खो सकते हैं? सुमित्रा, पेंटिंग, ब्रश, कैनवास सब कुछ रेडी करो। ठीक है। कमन फास्ट। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करूँ? हाँ कीजिए ना। ठीक है, रेड दो, रेड दो। ये लीजिए। हाँ। नहीं नहीं, ऑरेंज नहीं, रेड। क्या कर रहे हैं आप? रेड यहाँ है, देखो, लगा रहा हूँ ना मैं। ये देखो, देखो, देखो। ब्लैक लगाना चाहिए था ना? थोड़ा सा ब्लैक। ये देखिए। हाँ, येलो येलो। ये ले लीजिए येलो। अरे आप शांत रहिए ना, ब्लैक। अरे क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा सा वो वाला रेड ठीक करो ना। हाँ बस बस बस, आप मुझे दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ क्या करना है।
ये देखो कैसा आ रहा है। लगाओ उसे। अरे आइए आइए। अच्छा ये दूल्हा है। When are we going to see him live? एक मिनट। मेरा दिल कह रहा है मेरा बेटा आ रहा है प्रेम मेरा बच्चा। लव यू। चुपचाप आता हूँ फिर भी तुम्हें आर्ट कैसे मिल जाती है? इससे पहले तो मुझे पता चल गया था लेकिन मैं साइलेंट था। सही कहा है। वाले को प्रेमी का ना और माँ का अपने बेटे को ना सेंस से ही पता चल जाता है। वेल सेड मनु। मेरा नाम हाय देसाई अंकल। हे व्हाट्सएप। हाय प्रेम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। हाउ इज बिजनेस? ऑल वेल विद यू? या गुड 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 गुड। हाय प्रकृति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्यों गौड़ा जी, बेटे का फोन आने के बाद आपके चेहरे पे चमक नजर आ रही है। हाँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बात तुम्हें कैसे पता? मैं बहुत होशियार हूँ दादी जी, इसीलिए। है निखिल? हाय निशिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू बोथ आर गुड पेयर, मेड फॉर ईच अदर। आओ सर, पूरे ट्रिप में मस्ती करने के बाद यहाँ शांति से बैठे हैं आप। सुमति दीदी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बेटे के चेहरे पे नजर आ रहा है। गुड लक। हाय प्रेम। हे साना, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? फाइन। अच्छा, तुमने आते ही यहाँ के सारे लोगों को कैसे पहचान लिया? नहीं साना, कई लोगों के बारे में अभी तक नहीं जानता। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सारी बातें किसने बताई? मेरे डैडी। और तुम्हारे डैडी को? तुम्हारे डैडी। ओके, प्रकृति के बारे में कुछ भी जानना होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। डेफिनेटली। मम्मी, दो मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, साथ में खाना खाएंगे। ओके, जल्दी आना। बहुत बढ़िया। मम्मी, ये मुंबई फूड फेस्टिवल आपने अकेले बनाया क्या? शारदा और दादी ने भी काफी मदद की है। क्या इसमें मेरी वाली का भी हाथ है? यही हमारे लीडर हैं। अच्छा अच्छा। अरे एक मिनट, खाने से पहले आप अपने कुल देवता को याद कर लेना। क्यों? ये आखिरी खाना भी हो सकता है इसे? मैंने सिर्फ मजाक किया था। मुझे देखकर पता नहीं चलता क्या? अरे इसके हाथ में जादू है, जादू। पति की सेहत बीवी के हाथ में ही होती है। बासुंदी बहुत स्वादिष्ट लग रही है, चलो जल्दी जल्दी परोसो। ओ मॉम मॉम मॉम, यू नो कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है मॉम। एक बेटा, खाने के मामले में ये पसंद है ये पसंद नहीं है, ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ ऐसी बात नहीं है दादाजी, व्हाट आई मीन, हमें जो पसंद है वही खाना चाहिए, है ना प्रेम? पहले मैं भी यही फॉलो किया करता था लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। ये भी विश्वा की वजह से है क्या? हाँ ये भी विश्वा की वजह से है। अगर पूरन पुली खाई तो वड़ा बुरा मान जाएगा। सिर्फ वड़ा खाओगे तो खीर बुरा मान जाएगा। और सिर्फ खीर खाएंगे तो पूरी बुरा मानेगी। और सिर्फ पूरी खाई तो चावल बुरा मान जाएंगे। और सिर्फ राइस खाएंगे तो रसम को बुरा लगेगा यार। इसलिए सब चीजों में से थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ऐसा हमारे विश्व ने कहा। डैड, कॉन्सेप्ट नया है। एक्सक्यूज मी। वेरी स्वीट। लेकिन विश्वा कहाँ है? काम से लोकल ब्रांच ऑफिस गया है। विश्वा 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 विश्वा, आई एम वेरी ईगर टू मीट दैट पर्सन, यू नो। Good morning, my son. Good morning, Dad. Good morning, Prem. Good morning, Uncle. All well? Yeah. Cool. Look, दूल्हा है तू, हाँ? शादी खत्म होने तक बिजनेस की चिंता मत करें। I will take care, okay? Daddy, just एक मेल चेक कर रहा था मैं। जिससे शादी होने वाली है ना उससे बात कर, उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश कर, हाँ? It will change your feelings, हाँ? हाँ बेटा, प्रकृति के साथ सब कुछ क्लियर बात कर लो, फिर बाद में तुम्हें बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा। हमसे शिकायत मत करना, क्यों? Uncle. ए प्रकृति। हाँ Daddy. I'll just come. Hi, Prakriti. Hi. Good morning. Good morning. Like to have some coffee? I don't mind. Prakriti, अगर अभी हम एक दूसरे से बातें करेंगे, तो शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। शादी होने के बाद,
समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी हम एक दूसरे के लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से अभी यही ठीक होगा। ओके तो फिर शुरू करें हम। ओके योर एंटरटेनमेंट म्यूजिक। म्यूजिक वाओ इवन आई लव म्यूजिक। बिलीफ गॉड। ओ गॉड व्हाट अबाउट लव कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स अगेन कमिंग टू मैरिज बॉन्डिंग ऑफ टू सोल्स ब्यूटीफुल। प्रकृति तुम्हारी जिंदगी में सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? विश्वा। एग्जैक्टली आई एक्सपेक्टेड। मुझे आपका ट्रेवल शेड्यूल देखकर पता चला कि आपको विश्व भ्रमण करना बहुत पसंद है। एम आई राइट? इवन आई लाइक ट्रेवलिंग। इस दुनिया की अच्छाई बुराई सुंदरता हर चीज देखनी चाहिए समझनी चाहिए। व्हाट यू से प्रकृति? व्हाट इज दिस सस्पेंस? सस्पेंस मैं भी बहुत सारी बातें सस्पेंस रखता हूं। माय गॉड इट्स अमेजिंग। हम दोनों का टेस्ट नेचर और विजन सब कुछ मैच होता है। क्या कहती है? लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। फिर तो गोल ही नहीं होगा। पोल डजंट मेक एनी डिफरेंस। एनीवेज आई वांट टू शो समथिंग प्लीज कम। प्रकृति दिस इज माय वॉल्ट। ये सब मेरी बनाई पेंटिंग्स है। तुम्हारी दुनिया सच में काफी कलरफुल है। प्रेम मीट यू नो। ये क्या विश्वा, पूरा दिन चाहिए क्या तुम्हें एक प्रोग्राम को रीअरेंज करने के लिए? याद है ना आज थर्ड डे है। प्रकृति तुम इसकी क्लास बाद में ले लेना। विश्वा मीट माय वुड बी सन इन लॉ प्रेम। हेलो विश्वा। प्लीज टू मीट यू। आपके नाम में ही प्रेम है। हाँ, आप तो चिरंजीवी हो। थैंक यू अंकल। और हमारी प्रकृति के लिए एक बहुत अच्छा साथी। सही कहा तुमने। नो डाउट अबाउट यू। विश्वा देखा जाए तो उस हिसाब से तुम्हारा नाम भी बहुत बड़ा है। प्रकृति और मैं तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में? मतलब विश्व भ्रमण की खुशी के बारे में। ओ, आप इस बारे में कह रहे हो क्या? खुशी मनाने जैसी बात इस विश्व में है लेकिन इस विश्व में नहीं है। जितनी चाहो उतनी है, बस मुंह खोल कर बताता नहीं। ओके आप लोग बातें करो, मुझे पार्टी से मिलने जाना है। ठीक है ओके बाय गाइस। बाय बाय अंकल। विश्वा कॉफी पियोगे? आई डोंट माइंड। राइट प्रकृति इफ यू डोंट माइंड कॉफी लेकर आओगी? श्योर थैंक्स। वाओ वंडरफुल पेंटिंग्स। थैंक यू विश्वा। बचपन से बनाई हुई सारी पेंटिंग्स यहीं पर हैं। एंड यू नो वन थिंग, बिजनेस इज माय प्रोफेशन एंड पेंटिंग इज माय पैशन। ग्रेट, एक बिजनेसमैन के अंदर एक कला भी होती है, मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड फैंटेसी। थैंक यू। प्रेम तुमने अपनी पेंटिंग कभी एग्जिबिट नहीं की? किया है बट बड़े पैमाने पर नहीं, सम आर्ट फेस्टिवल्स वगैरह में। प्रेम इफ यू डोंट माइंड मैं एक बात कहूं? प्लीज गो अहेड। तुम्हारे सारे पेंटिंग्स में एक चीज कॉमन है। क्या विश्वा? बताता हूं, लड़की का पॉजिटिवनेस। सुपर विश्वा, हैट्स ऑफ टू योर विजन। जिसने भी मेरी आज तक पेंटिंग देखी है, कलर स्कीम अच्छा है, पेंटिंग अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, यही बोला है। बट उस पेंटिंग की भावनाओं को आज तक किसी ने नहीं समझा। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नोटिस, यू नो। शायद इसीलिए सिर्फ 15 दिनों में सब तुम्हारे ऊपर फिदा हो गए। hey, और आज मैं भी फिदा हो गया। प्रेम जिंदगी में कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। आई एम वेरी सॉरी बॉस, अगर मेरी लाइफ में एंट्री ले लिया तो खोने का चांस ही नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, क्रिएटर्स की स्फूर्ति ये प्रकृति है और प्रकृति का दूसरा रूप औरत होती है। ये दोनों जब रंगों से भर जाएंगे तभी इन चित्रों में जान आएगी। सच कहा विश्वा, अब तक मेरी बनाई पेंटिंग्स में प्रकृति की कल्पना नहीं थी लेकिन अब ये भी आ गई है। अब आगे से देखूंगा। कॉफी लो ना। या थैंक यू। थैंक यू। सिर्फ कहने के लिए फॉरेन है सर, लेकिन हमारा देश क्या सर, इस टाइम पे भी ये दुकान खोल के बैठा है। इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बात करते ही काटने के लिए दौड़ता है। चुप रहिए, आइए थोड़ा मजा लेते हैं। ओ गजनी जी,
अरे कौन सा वेपन रेडी कर रहे हो मेरे भाई? और नहीं तो क्या, कोई मिल गया कैप्चर तो करना ही पड़ेगा ना इसीलिए। बट वन थिंग, मुझे दूल्हे के ऊपर अभी भी डाउट है। हाँ, शादी होगी कि नहीं हमें भी डाउट है। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अरे उस पागल के साथ क्या मस्ती कर रहे हो? नहीं दादा जी, चुप रहे। अब सुनो, देसाई ऊपर अकेला बैठा है, हाँ, विश्व और प्रकृति के प्यार के बारे में बात करने के लिए करेक्ट टाइम है। देसाई, हाँ? जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, सोच सोच के मजे ले रहा हूँ। क्या हुआ, बैठे बैठे नींद आ गई? आइए बैठिए ना भैया। हाँ, सिट डाउन मनु। कुछ अलग तरह की खुशी, संतोष, शादी का उत्साह, इसी के बारे में सोच रहा था और आंख लग गई। वो क्या है ना देसाई, के तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना, क्या बात है भैया? अभी वो हमारा विश्वा है ना। हाँ, उस विश्वा के बारे में कितना भी बात करेंगे तो कम पड़ेगा, उसकी वजह से ये सब हुआ है। मेरी प्रकृति की शादी हो रही है, इन सब का कारण विश्वा ही है। उसका इतना बड़ा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो थोड़ा अलग है। वो एक जादूगर है, राइट? जब मैं इस टूर पर आया था तो मैं बहुत टेंशन में था, लेकिन अब ये सब जो हो रहा है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रकृति ने शादी को एक्सेप्ट किया और आप लोग भी मुझे फैमिली की तरह मिल गए। भैया आप हम सबसे बड़े हैं, आपको सामने खड़े होकर शादी करवानी है। अरे अरे क्या यार, लुक एट मिस्टर एंड मिसेस मोहन। जितना सामान चाहिए था उतना ले आई। अंकल ये देखिए तो, प्रकृति के लिए बनारसी साड़ी। वाह, हाउ इज इट? फैंटास्टिक, बहुत कलर अच्छा है ना। और ये रेड सूट है। एक्सक्यूज मी, इस घर में वाकई में बहुत कंफ्यूजन है। इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। विश्वा और प्रकृति दोनों। विश्वा और प्रकृति का क्या बेटा, व्हाट्स दैट? हु आर यू? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, नजर लगाओगे क्या मुझे? बोलो बोलो। चुप हो जाओ अभी, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। कहा ना अंकल, इसकी बात सीरियसली मत लेना, ये दिमाग से जरा पागल है। अच्छा ये बताइए, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? और हाँ दादाजी, आपके लिए तो बहुत अच्छा सूट सिलेक्ट किया है। शादी में ना आप और दादी दोनों दूल्हा दुल्हन लगेंगे, है ना? एकदम सही। शारदा, तुम्हारे यहाँ सबको कार्ड भेज दिया ना? लास्ट मिनट में टिकट नहीं मिलेगा। अरे बहुत सारे लोगों को बुलाया है, लेकिन यहाँ बहुत कम ही लोग आ पाएंगे। शादी खत्म होते ही इंडिया चले जाएंगे, वहीं सबके लिए अच्छी पार्टी दे देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। वेस्ट पीपल, टाइम की कोई इज्जत ही नहीं है। काम के वक्त बात करके पूरे इंडिया को खराब कर रखा है इन लोगों ने, और अब ये जॉर्डन को भी खराब करने के लिए आए। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। किधर जाऊंगा मैं, ये रख लूंगी। हाय मॉम, हाय एवरीबॉडी। क्या बेटा ऑफिस जा रहे हो? शादी खत्म होने तक बिजनेस को भूल जाओ, मैंने कहा था ना, तेरे पापा ऑफिस में जाकर बैठे हैं, अब तू भी जाएगा। ये देखो मॉम, सिर्फ ऑफिस ही नहीं, सबको ले जाकर अपना स्टील प्लांट और मार्केटिंग यूनिट दिखाकर लगे हाथ जॉर्डन भी घुमा कर के ले आऊंगा। गुड आइडिया ना। आंटी ये लीजिए, ये लीजिए। विश्वास, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी औरतें हैं इस घर में, फिर भी मैंने मना किया, लेकिन ये माना ही नहीं सासू माँ। आंटी मैं भी आपके फैमिली मेंबर की तरह हूँ, तो आप लोगों के लिए कॉफी बनाना कौन सी गलत बात है? जल्दी तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ आओगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम, शादी में अभी दो दिन बचे हैं और सबको इस तरह लेकर जाओगे तो घर में बहुत सारे काम है। उसके अलावा तुम दोनों का हमारे बीच क्या काम है? अगर चाहो तो प्रकृति के साथ चले जाओ। सही कहा विश्वा ने, प्रेम प्रकृति को लेकर के तुम्हारा आराम से घूम कर आओ, हम लोग तो बहुत बिजी है ना बेटा। ये कैसे हो सकता है बेटा? क्या हो गया? शादी के दिनों में लड़की को बाहर नहीं भेजना चाहिए। दादी क्या प्रॉब्लम है? रिवाज है। क्या दादी, इंडिया में होता तो ठीक था, जॉर्डन में भी रिवाज है क्या? दादी आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? कोई भी जमाना हो बेटी, शादी शादी होती है, रिवाज रिवाज होता है। लड़की को हल्दी लग जाने के बाद बाहर नहीं भेजते। ओह गॉड, फिर तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ फ्री हूँ, कैन आई जॉइन यू? ओके, व्हाट अंकल? नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू, या देन बाय बाय गाइस। ओके डैड, सी यू एवरीबॉडी, बाय, सी यू, बाय। हेलो सर। हाय,
She is who? Hi. And this is Sahana. Good day. शारदा, हाँ? तेरी बेटी को खाना बनाना सिखाया? मुझे खाना बनाने नहीं आता, लेकिन खाने तो अच्छी तरह आता है। लो सुनो इसकी। माँ जी, मेरी प्रकृति बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन तड़का लगाने से पहले मुझसे पूछती है। लेकिन आंटी, तड़का लगाने के लिए भी आपकी बेटी आपसे पूछती है, और आपने उसकी शादी के लिए भी उससे एक बार नहीं पूछा। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा होगा मुझे नहीं पता। उसके हाँ करने के बाद ही हमने ये शादी तय की। मेरे माँ बाप ने तो शादी के लिए मुझसे पूछा ही नहीं था, लेकिन मैं खुश हूँ ना, है ना माँ जी? क्या करें दादी। विश्वा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन पता नहीं उन सबसे ज्यादा तुम मेरे करीब हो गए हो। आज मेरे बैचलर लाइफ का आखिरी दिन है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। वाओ, मैं तुम्हारे दिल के इतना करीब हो गया हूं तो ये मेरी किस्मत है। सो मैंने अपनी जिंदगी में एक और दिल जीत लिया है। प्रेम, यू नो, जिंदगी में हम कुछ भी जीत सकते हैं, लेकिन इंसान को जीतना बहुत ही मुश्किल है। इंसान को प्रैक्टिकली जीने के लिए ये कोई लैब नहीं है, दुनिया है। प्रेमी कभी सन्यासी नहीं बन सकता। विश्वा, कभी कभी तुम्हारी ये एथिक्स मेरे लिए कन्फ्यूजन बन जाता है। प्रकृति से ज्यादा मेरी लाइफ का इंस्पिरेशन तुम हो। इनफैक्ट प्रकृति की पेंटिंग बनाने से पहले तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाएं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरे इतने करीब हो, फिर भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। अभी जितना समझ लिया है उतना काफी है। प्रेम, कल शादी है तो अभी ये सारे कंफ्यूजन क्यों चाहिए? Have a Pepsi. Be cool. Okay, thank you. Let's go. प्रकृति, तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? कल तुम्हारी शादी है, अगर किसी ने देख लिया तो? तो देखने दो, इस तरह से ही सही, हमारे प्यार के बारे में सबको पता तो चले। किस प्यार के बारे में? क्या है हम दोनों के बीच में? क्या मैंने तुम्हें कभी आई लव यू कहा है क्या? वही तो, क्यों नहीं कहा तुमने, यही तो पूछ रही हूँ। प्यार होगा तो बोलूंगा ना। प्रकृति, तुम पढ़ी लिखी हो, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? कल किसी और के हाथों मंगलसूत्र पहनकर घर बसाना है तुम्हें, और तुम अभी प्यार के बारे में बातें कर रही हो। मैंने सोचा था कि 7 जन्मों के जीवन साथी होंगे, और इन 7 दिनों में तुम मुझे अपना कर मेरे पास आ जाओगे, इसलिए मैंने इंतजार किया। आज आखिरी दिन है विश्वा, अब तो चुप मत रहो, कल इस वक्त सब कुछ बदल चुका होगा। बदलना चाहिए, इसीलिए तो मैंने इतनी सब मेहनत की है। देखो प्रकृति, इंसान को भगवान की दी हुई दौलत खुशी है, और वो खुशी हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर रही, ये मेरी इच्छा है। इनफैक्ट थोड़ी कठोरता भी दिखाई है तो उसे तुम प्यार समझकर अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो। मैंने अगर ये शादी कर ली तो क्या मेरी जिंदगी सही रहेगी? शट अप प्रकृति, प्लीज यहां से चली जाओ, प्लीज गो। ये ज्यादा हो गया विश्वा, वो तुझे कितना प्यार करती है, भीख मांग रही है, फिर भी तू चुपचाप खड़ा है। देख, तू इसे छोड़ नहीं रहा है, खो रहा है। देख, एक बार मैंने फैसला कर लिया तो उसे मैं चेंज नहीं करता। चेंज होगा या नहीं मुझे नहीं पता, प्रकृति तुम्हें मिलनी चाहिए, ये शादी रुकनी चाहिए। देख मन्नो, अगर कल की यह शादी रुक गई तो तू इस विश्वा को नहीं देख पाएगा। मैंने खुद खड़े होकर जो काम किया है वो कभी नहीं रुका है। That's it. Hey, वहां देखो तो। Shadow, narrow, shadow, narrow, 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 narrow.
पवित्र पवितरुवासरवावस्थाङ्गदु विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सवाय वन्दरशुचिः आचम्य प्राणानायम्य ॐ केशवाय नमः स्वाहा। भावना, ये मुझे देना तो। विश्वा, हाँ? आशीर्वाद दो बेटा। हाँ। तुम्हें ये सबके पास लेकर जाना है। अंकल, ये तो लड़कियों का काम है। लड़कियां ही ऐसा करें ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। जिसका दिल अच्छा होता है वो ही कर सकता है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है ये हम पहले से ही जानते हैं। प्लीज। ओके अंकल, आशीर्वाद लीजिए। हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? हाय थैंकफुल मैन। हाय। ये सब क्या है प्रेम? क्या विश्वा, सब कुछ छोड़कर सोने का दिल लेकर अकेले जा रहे हो? ये क्या कह रहे हो विश्वा? इतने दिनों में प्रकृति ने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा होगा, फिर वो मेरे साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? विश्वा, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तुमने मेरी पेंटिंग्स देखकर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहकर अगर तुम्हारे दिल को नहीं समझ पाता तो तुम्हारा अच्छा दोस्त कैसे बन पाता? विश्वा, उस दिन जब मैं सहाना के साथ गया था, कब से तुम मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गई हो? हम लोग जहाँ जहाँ घूमने गए थे मैंने शूट किया था, जस्ट वॉचिंग द वीडियोस। ओह गुड, इफ यू डोंट माइंड मैं भी देख सकता हूँ क्या? श्योर। थैंक यू। सहना, मुझे लगता है कि मुझे प्रकृति के बारे में और भी कुछ जानना चाहिए। एक्चुअली मैं ये वीडियोस इसलिए देख रही थी ताकि तुम्हें पता चल सके। प्रकृति विश्वा को बहुत पसंद करती है, विश्वा के लिए उसके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन यह बात वो डैडी को नहीं बता पा रही। सबके लिए प्रॉमिस इम्पोर्टेंट है, ना कि दिल। अगर ये शादी हो गई तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हाँ, वैसे ये अच्छा ही हुआ कि प्रेम को इस बारे में सब कुछ पता चल गया। अब आगे क्या करना है बस वो सोचो। चित्रों में भावनाओं से मिलता हूँ मैं, तो क्या मैं 2 प्रेमियों का दिल नहीं समझ सकता? शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अंकल, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज उन दोनों की शादी करवा दीजिए। We are very proud of you, प्रेम। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है प्रेम। सुमति दीदी, दिल मेरा बड़ा नहीं है, विश्वा का है। वो अपने प्यार के बारे में किसी को बता नहीं पाया और सब कुछ अपने अंदर ही छुपाए रखा और हमारे साथ खुशी से रह रहा था। एक बात, ये बात विश्वा को पता नहीं चलनी चाहिए, वो अपने बारे में खुद ही बताएगा। एक प्रेमी अपने प्यार के लिए किस हद तक शांत रह सकता है मैं देखना चाहता हूं। विश्वा, इसके बाद ही हमने ये फैसला किया। इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारे प्यार को कुचलकर अपना संसार नहीं बसा सकता। विश्वा,
जिस लड़के से आप प्यार करते हैं अगर वो किसी और का हाथ थामे तो आप सह नहीं पाते, लेकिन तुमने तो जिससे प्यार किया उसकी शादी में गाया नाचा सबका दिल बहलाया, सच में तुम महान हो। जब हमें प्यार नहीं मिलता तो उसे छोड़ देना चाहिए ऐसा सोचना स्वार्थी है ना। फिर भी विश्वा, सिर्फ एक वादे के लिए अपने प्यार को ठुकराना ये प्रेम? हम जुबान के पक्के लोग हैं, दिल में नहीं रखते, दिल की परवाह नहीं करते। मैं एक अनाथ हूं, इस टूर में जब आया था अब तो अचानक से ही अब ये सारे रिश्ते बन गए। अब इनफैक्ट मेरे प्यार के लिए इन सब ने बहुत साथ दिया। देसाई अंकल आकर मेरी बेटी की शादी तो खुद खड़े होकर करवा देना जब ऐसा कहा तो इस इंसान के सामने मेरा प्यार बड़ा है ऐसा मुझे नहीं लगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार बड़ा नहीं होगा, पर मेरे लिए मेरा प्यार बड़ा है। मुझे विश्वा चाहिए। I love you, विश्वा। I really love you। अब तो बोल दे विश्वा। विश्वा, अपने प्यार को और कितना इंतजार करवाओगे? बोलो ना। बोलो विश्वा। I love you।